बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी खैरियत से होंगे। टेस्टी रेसिपी बाय ताबी की तरफ से आप सभी के लिए ढेरों दुआएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ओट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आप इसे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कभी भी खा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दलिये की तरह होता है। वाइट ओट्स का हमने इस्तेमाल करना है क्योंकि हम इसे दूध में पकाएंगे तो ये अपने आप रोस्ट भी हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे नॉर्मल दूध में भी पका सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप इसे आलमंड मिल्क में बना लें, और घर में भी आप बादाम का दूध आसानी से बना सकते हैं। मैं भी आपको रेसिपी बता रही हूँ नॉर्मल दूध से ही। आप देख सकते हैं मैंने आधे कप से भी कम दूध लिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपने घर में बादाम का दूध बनाना है तो आपने क्या करना है, 5 से 7 बादाम जो है वो ओवरनाइट सोक कर देने हैं। फिर उनका छिलका निकालेंगे और 1 कप पानी डाल के उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, तो वो आपका 1 कप जो है आलमंड मिल्क तैयार हो जाएगा। बाजार से भी अवेलेबल होता है। यहाँ मैंने मिल्क पैक लिया है, तो जितना मैंने दूध लिया उसकी डबल क्वांटिटी में पानी इसमें शामिल करूँगी ताकि ये 1 कप के बराबर हो जाए। और फ्रेंड्स, इसको बनाना बिल्कुल आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आप चाहें तो बस दूध में ओट्स को ओवरनाइट सोक करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर वाइट ओट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैं इसे दूध में पका लेती हूँ ताकि ओट्स का जो हल्का सा कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें स्टीविया के 1 साशे का या आधा चम्मच शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। चीनी का इस्तेमाल आपने नहीं करना क्योंकि ये वेट लॉस के लिए है। और अगर आप चाहें तो शक्कर और स्टीविया भी स्किप करें क्योंकि हमने इसमें खाते हुए फ्रूट्स ऐड करने हैं, नट्स ऐड करने हैं। अगर आपके पास फ्रूट्स और नट्स नहीं हैं और फीका आपसे नहीं खाया जाता, उस सूरत में आप इसमें शक्कर या स्टीविया का इस्तेमाल करेंगे। मैंने 3 चम्मच इसमें वाइट ओट्स के शामिल किए, और तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट लगे थे कि ये थिक होना स्टार्ट हो गया था। और जैसे ही ये थिक होना स्टार्ट होगा, चूल्हा बंद करते हुए मैं इसमें 1 चम्मच भर के चिया सीड्स ऐड करूँगी। ये आप देख सकते हैं ये जो मार्बल टाइप के चिया सीड्स होते हैं ये बेनिफिशियल होते हैं, इनका इस्तेमाल किया करें आप। वो जो ब्लैक कलर के होते हैं वो वेट लॉस के लिए इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते जितना ज़्यादा ये मार्बल टाइप के जो चिया सीड्स होते हैं ये होते हैं। ये आपको इजीली कहीं से भी अवेलेबल होते हैं, सुपरमार्केट से या पंसार की दुकान से आप ले सकते हैं इनको इजीली। ये वेट लॉस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और इस टाइम पे चूल्हा बंद कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कम से कम हमने इसे 4 घंटे, और अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट सोक कर दें तो वो भी ज़्यादा बेस्ट रहता है आपके लिए। ब्रेकफास्ट के लिए अगर आप इसे रेडी कर रहे हैं तो ओट्स ले लेंगे आप, इसके साथ 1 सेब इसके अंदर काट लेंगे, वो भी इनफ होता है। लेकिन आप अगर इसे लंच के लिए या डिनर के लिए रेडी कर रहे हैं तो आप इसमें नट्स डाल लें, 1-2 फ्रूट्स ऐड कर लें ताकि वो थोड़ा सा फिलिंग हो जाए आपके लिए। तो यहाँ जी ओट्स को फ्रिज में रखे हुए 6 से 7 घंटे हो चुके थे। अच्छा फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा लेसदार बनकर तैयार होता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा इसका टेस्ट, लेकिन 1-2 दफ़ा आप खाएंगे तो आप इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, इसलिए डाइट में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा मैंने मेलन कट कर लिया था थोड़ा सा, और सेब कट कर लिया था, 2 मैंने इंजीर ली थी उन्हें छोटा छोटा काट लिया, 2 खजूरें लेके उन्हें काट लिया, अखरोट थे 2 मेरे पास, बादाम लिए मैंने 5 से 7, और 3 काजू लेके उन्हें बारीक बारीक कट कर लिया था। मैंने क्योंकि मैंने ओट्स के अंदर कोई भी मीठा शामिल नहीं किया इसलिए फ्रूट्स का अपना मीठा होगा। और फ्लेवर के लिए मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी ग्रीक योगर्ट बेरी फ्लेवर का। आपने डाइट के अंदर जब भी दही का इस्तेमाल करना है तो आपने नॉर्मल दही नहीं लेना, आपने जब भी लेना है ग्रीक योगर्ट लेना है। इसके अंदर कैलोरीज और फैट नॉर्मल दही के मुकाबले में 3 गुना कम होती हैं, इसलिए आपने जब भी इस्तेमाल करना है ग्रीक योगर्ट का ही इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें सारे फ्रूट्स एंड नट्स डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये वेट लॉस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, और जो वेट लॉस नहीं कर रहे हैं ये उनके लिए भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है। नाश्ते में खा सकते हैं, दोपहर के खाने में, रात के खाने में, अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी कुछ खाने का दिल नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है आपके लिए।
मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।